शिवसेना के मुखपत्र सामना में योगी के मुंबई दौरे को लेकर तल्ख टिप्पणी, लिखा फिल्म सिटी को उत्तर प्रदेश ले जाना है साधु बाबा का मकसद। यूपी सरकार ने सामना और शिवसेना नेताओं के बयानों पर किया एतराज, फिल्म सिटी के फैसले को बताया सही। मिशन निवेश पर जुटे यूपी के मुख्यमंत्री ने टॉप उद्योगपतियों से की बात, अंबानी, अदानी और कुमार मंगलम से निवेश को लेकर चर्चा। उद्योगपतियों को यूपी के सीएम ने दिलाया भरोसा, कहा सरकार तैयार करेगी विशेष सपोर्ट सिस्टम। बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल की लोगों से अपील, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए इस बार 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस पर ना जाएं चैत्य भूमि। मुंबई में एक ही परिवार के 3 लोगों का शव मिला, कांदिवली में एक शख्स ने अपने बेटे और बेटी के साथ किया सुसाइड। मुंबई में एक 3 साल के बच्चे के मुंह के करीब फटा गुब्बारा, बच्चे की मौत। जावेद अख्तर ने वकील के माध्यम से कंगना की शिकायत पर दर्ज कराया कोर्ट में अपना बयान, जावेद अख्तर ने कंगना पर किया है मानहानि का केस। एनसीबी ने अपने 2 इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को किया सस्पेंड, भारती सिंह और उनके पति की जमानत की सुनवाई के समय कोर्ट में नहीं थे मौजूद। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ऑफिस पर ईडी की छापेमारी, सुबह 9 बजे से एक्शन जारी। महाराष्ट्र के बारामती में एक शख्स की हत्या, अवैध संबंधों के चक्कर में पत्नी और सगे भाई ने वारदात को दिया अंजाम। महाराष्ट्र के अकोला में ओबीसी आरक्षण बचाव समिति का प्रदर्शन, पुलिस ने नियम तोड़ने पर केस किया दर्ज। गुजरात के किसान भी दिल्ली पहुंचे, सिंघू बॉर्डर पर किसानों को जाकर दिया समर्थन। तो ये काला बिल लाए हैं तो ये तात्कालिक वापस लेना चाहिए और ये जो आंदोलन चल रहे हैं तो उसको हम समर्थन करने के लिए यहाँ पे आए हैं। गुजरात में नेता कोरोना को लेकर लापरवाह, हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी सांसद पूनम बेन बिना मास्क डांडिया खेलती दिखी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मुंबई मेट्रो के साथ मैं हूं अनंत भट्ट। कंगना रनौत पंगा लेने के लिए जानी जाती हैं। इस बार कंगना ने पंगा लिया दिलजीत दोसांझ से। ताजा विवाद किसानों के प्रदर्शन से जुड़े कंगना के एक ट्वीट से खड़ा हुआ है। किसानों के विरोध प्रदर्शन में शामिल एक बुजुर्ग आंदोलनकारी महिला पर टिप्पणी करके एक्ट्रेस कंगना रनौत फंस गई हैं। उन्होंने बुजुर्ग महिला को लेकर ट्वीट किया कि वो शाहीन बाग वाली दादी हैं और 100 रुपए के लिए कहीं भी आ जा सकती हैं। आज तक ने अपने फैक्ट चेक में पाया कि बुजुर्ग महिला शाहीन बाग वाली दादी नहीं है। बाद में कंगना ने ये ट्वीट डिलीट कर दिया, पर तब तक तीर कमान से निकल चुका था। ट्वीट को लेकर सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ ने कंगना पर जोरदार पलटवार किया। उन्होंने कंगना के दावे को गलत बताते हुए एक वीडियो शेयर किया। महेंद्र कौर नाम की बूढ़ी दादी का वीडियो शेयर करते हुए दिलजीत ने लिखा, बंदे को इतना अंधा भी नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, ये रहा पूरा सबूत। बस इस ट्वीट से कंगना रनौत गुस्से में आ गई और उन्होंने दिलजीत को करण जौहर का पालतू बता दिया। ट्वीट कर कंगना ने लिखा, ओ करण जौहर के पालतू, जो शाहीन बाग में नागरिकता कानून के समय विरोध कर रही थी वो बिल्किस बानो दादी जी ही थी, वहीं बाद में किसानों के साथ भी धरना देती दिख गई। महेंद्र कौर जी को तो मैं जानती भी नहीं हूँ, क्या ड्रामा चलाया है तुमने ये। जाहिर है दिलजीत को कंगना का उन्हें पालतू कहना बिल्कुल रास नहीं आया और उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया करते हुए लिखा, तूने जितने लोगों के साथ फिल्म की है क्या तू सभी की पालतू है। दिलजीत ने आगे लिखा, झूठ बोलना और फिर लोगों को भड़काना, उनकी भावनाओं के साथ खेलना, ये तो आप अच्छे से जानती हैं कंगना जी। दिलजीत के इस पलटवार पर कंगना का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा और उन्होंने दिलजीत को चमचा बोल दिया। कुछ देर बाद कंगना ने एक और ट्वीट करते हुए लिखा, सुनो गिद्धों, मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझना, मैं सब देख रही हूँ किस किस तरह से तुम झूठ बोलकर मासूमों को भड़का रहे हो और उनका इस्तेमाल कर रहे हो। कंगना ने आगे लिखा, जब शाहीन बाग की तरह इन धरनों का रहस्य खुलेगा तो मैं एक शानदार स्पीच लिखूंगी और तुम लोगों का मुंह काला करूंगी। कंगना का ये ट्वीट वायरल हो चुका है। कंगना के साथ लड़ाई में दिलजीत का कई बॉलीवुड हस्तियों ने समर्थन किया। स्वरा भास्कर से लेकर अंगद बेदी तक कई सेलेब्स ने खुलकर दिलजीत का साथ दिया। कंगना आए दिन ट्विटर पर हंगामा मचाए रहती हैं, कई बार फंस भी जाती हैं। मुंबई में ट्वीट को लेकर कंगना पर FIR भी दर्ज हो चुकी है। आज तक ब्यूरो। जब से योगी आदित्यनाथ फिल्म सिटी का प्लान लेकर मुंबई गए हैं, शिवसेना बुरी तरह से तिलमिला गई है। शिवसेना कह रही है कि किसी में ताकत नहीं है कि कोई बॉलीवुड को उनसे छीन कर ले जाए और योगी सरकार कह रही है
कि वो बॉलीवुड को छीनने नहीं बल्कि उद्धव ठाकरे की फिल्म सिटी को टक्कर देने के लिए यूपी में फिल्म सिटी बना रहे हैं। फिल्म सिटी पर छिड़ गई है उद्धव और योगी की जंग। ना अथॉरिटी की फिल्म सिटी नहीं होगी, उत्तर प्रदेश की फिल्म सिटी नहीं होगी, ये वर्ल्ड क्लास की फिल्म सिटी होगी। वर्ल्ड क्लास की फिल्म सिटी के लिए ही मुंबई की फिल्म सिटी यहाँ से कोई लेके जाने की बात करती है तो मजाक है। उद्धव बोले, बॉलीवुड को किसी का बाप नहीं ले जा सकता। अपने यहाँ से वहाँ उनके यहाँ कोई जाना तो दूर ही, लेकिन ऐसे नहीं हो जाए कि उनके यहाँ से हमारे यहाँ कोई लोग आ जाए। अरे मुंबई की फिल्म सिटी कोई गमला है कि पर्स है कि योगी जी उठा के ले जा रहे हैं? अरे मुंबई की फिल्म सिटी भी रहेगी। क्या यूपी और मुंबई में बंटने जा रहा है बॉलीवुड? जो एक नेचुरल कॉम्पिटिशन उसके आधार पर फिल्म सिटी बनाएंगे। आप अपने कल्चर को आप ठीक करिए शिवसेना के लोग। यूपी में फिल्म सिटी के प्लान से मुंबई में मची खलबली। फिल्म इंडस्ट्री जो है मुंबई में गए 100 साल के ऊपर से एस्टेब्लिश है, यहाँ से बाहर फिल्म इंडस्ट्री जाने का कोई सवाल नहीं। शिवसेना के अंदर जो डर है उसका कारण एक है, कारण उनको लगाव बॉलीवुड से नहीं है, उनका लगाव है जोर जबरदस्ती करके वसूली जो करते हैं। तो आइए देखते हैं फिल्म सिटी की फाइट। शिवसेना का गुस्सा कल से इस कदर भड़का हुआ है कि आज उन्होंने अपने मुखपत्र सामना में योगी आदित्यनाथ पर तगड़े हमले किए हैं। शिवसेना में यूपी की तुलना वेब सीरीज मिर्जापुर से कर दी गई है। इतना ही नहीं, बॉलीवुड के बंटवारे पर शिवसेना ने कहा है कि ये इतना भी आसान नहीं है कि किसी बच्चे के हाथ से चॉकलेट छीन कर ले जाओ। बॉलीवुड में सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई, उसके बाद बॉलीवुड में नेपोटिज्म यानी भाई भतीजावाद पर बहस छिड़ गई। सबसे पहले कंगना ने वीडियो जारी कर सुशांत की मौत पर सवाल उठाए। आप देखें उनके कुछ लास्ट पोस्ट, वो क्लियरली कह रहे हैं कि लोगों को बैक कर रहे हैं कि प्लीज मेरी फिल्म में देखो, मेरा कोई गॉडफादर नहीं है, मुझे निकाल दिया जाएगा इस इंडस्ट्री से। अपने इंटरव्यू में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है, आई फील लाइक अ लेफ्ट ओवर। तो क्या इसमें इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है? किस तरह से अगर किसी और स्टार किड ने इस तरह से 6-7 साल के स्पैन में काय पहुंचे, जैसे उनको कोई डेब्यू की कोई अक्नॉलेजमेंट, कोई अवार्ड नहीं मिला, या केदारनाथ या धोनी या छिछोरे जैसी फिल्म, एक गली बॉय जैसी एक वाहियात फिल्म को सारे अवार्ड मिलते। छिछोरे इज द बेस्ट फिल्म एंड द बेस्ट डायरेक्टर, उनकी फिल्म को कोई अक्नॉलेजमेंट नहीं। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी फिल्में नहीं चाहिए, लेकिन जो हम खुद करते हैं आप हमारे अक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं हमें देते हैं? मैंने मुझे इनकी फिल्में, मैं जो खुद फिल्में डायरेक्ट करती हूँ, उनको सुपरहिट फिल्मों को ये फ्लॉप घोषित करते। और बॉलीवुड में इन्हीं सवालों के साथ यूपी में एक नई फिल्म सिटी बनने की भी चर्चा शुरू हो गई। और करीब 3 महीने पहले यानी सितंबर में योगी आदित्यनाथ ने अपने फिल्म सिटी प्लान का ऐलान कर दिया। और अब यूपी में फिल्म सिटी का पूरा प्लान लेकर योगी आदित्यनाथ मुंबई पहुंच गए। उत्तर प्रदेश सरकार एक बहुत अच्छी, केवल एक यमुना अथॉरिटी की फिल्म सिटी नहीं होगी, या उत्तर प्रदेश की फिल्म सिटी नहीं होगी, ये वर्ल्ड क्लास की फिल्म सिटी होगी। वर्ल्ड क्लास की फिल्म सिटी के लिए ही आप सबको आमंत्रित करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। योगी के इसी प्रोजेक्ट से उद्धव सरकार और पूरी शिवसेना के तन बदन में आग लग गई और शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना से योगी आदित्यनाथ पर सारी भड़ास निकाल दी। योगी के फिल्मी प्लान से तिल मिला गई शिवसेना। यूपी में योगी के फिल्म सिटी पर हमलावर हो गई शिवसेना। शिवसेना के मुखपत्र सामना में यूपी के फिल्म सिटी पर वार कि यूपी की आपराधिक सच्चाई, कानून व्यवस्था का सनसनीखेज फिल्मांकन मिर्जापुर 1 और 2 वेब सीरीज में है। विपक्षी दल यूपी की अवस्था मिर्जापुर जैसी ही होने पर आरोप लगाते हैं। इस सच्चाई को बदलने की जिम्मेदारी योगी सरकार की है। सिर्फ दीवारें खड़ी कर देने से स्थिति नहीं बदलेगी।
फिल्म सिटी की ये फाइट कानून व्यवस्था तक आई तो योगी सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि शिवसेना योगी के फिल्म प्लान से क्यों डर रही है। शिवसेना के अंदर जो डर है उसका कारण एक है, कारण उनको लगाव बॉलीवुड से नहीं है, उनका लगाव है जिस प्रकार के वो जोर जबरदस्ती करके वसूली जो करते हैं। एक जो शिवसेना सिंडिकेट बॉलीवुड में चलता है वो खत्म हो जाएगा क्योंकि वहां के लोग भी बड़े परेशान है बॉलीवुड। लेकिन शिवसेना योगी आदित्यनाथ पर किस कदर तिलमिलाई हुई है उसने आगे जो मुखपत्र सामना में लिखा उससे अंदाजा हो जाएगा। शिवसेना ने लिखा, मुंबई से फिल्म सिटी उद्योग उठाकर ले जाना किसी बच्चे के हाथ से चॉकलेट छीन कर ले जाना जितना आसान नहीं है, ये किसी के बाप के लिए भी संभव नहीं है। महाराष्ट्र के बीजेपी नेताओं का इस पर क्या मत है? क्या मुंबई में आई योगी को भी उनका समर्थन है? ये बात स्पष्ट करनी चाहिए। मैग्नेटिक महाराष्ट्र, मैग्नेटिक मध्य से एक ताकत है और ये ताकत कुछ लोग आ रहे हैं, आज भी आ रहे हैं, कुछ आपसे भी मिलेंगे, अरे भाई साहब हमारे यहाँ भी आ जाओ, लेकिन उनको पता नहीं कि अपना मैग्नेटिक जो एक ताकत है वो इतना जबरदस्त है कि अपने यहां से वहां उनके यहाँ कोई जाना तो दूर ही, लेकिन ऐसे नहीं हो जाए कि उनके यहाँ से हमारे यहाँ कोई लोग आ जाए। कॉम्पिटिशन उसके आधार पर फिल्म सिटी बनाएंगे जो आधुनिक होगी, वहां पे निवेशक आना चाहते हैं क्योंकि सुरक्षा का एक माहौल है। और ये बात साफ होती जा रही है कि जो शिवसेना का एक कल्चर है बॉलीवुड के साथ वो उनको पचाता नहीं है, और इसलिए आप अपने कल्चर को आप ठीक करिए शिवसेना के लोग, और दूसरों पे उंगलियां ना उठाएं। आपको कुछ रखना है आप रखिए, हम कौन लेके जाना चाहता है। कंपटीशन है ये देश के अंदर, और हमारा राज्य जो है योगी जी के नेतृत्व में एक अच्छा और कॉम्पिटिटिव स्टेट बनता जा रहा है जिसके आधार पर निवेशक आते हैं क्योंकि सिक्योरिटी का एक माहौल है। जब से यूपी में फिल्म सिटी की बात शुरू हुई है उद्धव सरकार और शिवसेना लगातार यही कह रही है कि मुंबई से बॉलीवुड को कोई छीन नहीं सकता। योगी कह रहे हैं कि वो फिल्म सिटी छीनने नहीं आए हैं बल्कि कॉम्पिटिशन देने आए हैं। अरे मुंबई की फिल्म सिटी कोई गमला है कि पर्स है कि योगी जी उठा के ले जा रहे हैं? अरे मुंबई की फिल्म सिटी भी रहेगी, हैदराबाद की फिल्म सिटी भी रहेगी, और अब उत्तर प्रदेश की फिल्म सिटी भी बन रही है। हाँ सब लोग काम करो, जहां आपका दिल करे वहां काम करो, ये तो सुविधाएं बढ़ाई जा रही है। हम तो उद्धव ठाकरे साहब से कहेंगे, संजय राउत साहब से कहेंगे कि मुंबई में एक फिल्म सिटी और बनाओ, और एकदम हाई फाई बनाओ, टेक्निकली एकदम गुणवत्ता के हिसाब से हाई फाई बनाओ, खूबसूरत बनाओ, कोई मुंबई के बाहर शूटिंग करने जाएगा नहीं, और क्या। फिल्म इंडस्ट्री जो है मुंबई में गए 100 साल के ऊपर से एस्टेब्लिश है, और इस प्रकार का यहाँ के जो यहाँ पे जो फिल्म इंडस्ट्री का माहौल है, मुझे लगता है नहीं कि इस प्रकार का बाहर के राज्य में कितना भी कोई प्रयास करे तो यहाँ पे जो सुविधा है फिल्म इंडस्ट्री को उतनी सुविधा बाहर के राज्य कोई दे सकता है करके यहाँ से बाहर फिल्म इंडस्ट्री जाने का कोई सवाल ही। मुंबई पे निशाना नहीं कर रहे थे, आपके रवैया पे जो आपने प्रवास जो उत्तर प्रदेश के प्रवासी या बिहार के जो प्रवासी हैं उनके साथ जिस प्रकार का आपने जो बर्ताव किया इसलिए हमें बोलना पड़ा था। आपने नहीं करा होता तो वहां से भाग के नहीं आते, और 1 करोड़ के ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे जो प्रवासी आए थे उनको नौकरियां दी हैं, उनको भूखा नहीं रखा है जो आप कर रहे थे, और वो आज हम लोगों ने जो किया तो उसकी सराहना हो रही है। तो आप भी अच्छे कार्य करिए, सरकार में है मगर सरकार में रह के अच्छे कार्य करिए उद्धव ठाकरे जी, और आप एक हेल्दी कंपटीशन में आइए। और मगर ये जरूर हम कहते हैं, और चुनौती के रूप में मंत्री के रूप में मैं कहता हूं, फिल्म सिटी ही नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर नोएडा के अंदर हम फिनटेक सिटी भी बनाएंगे और अच्छी बनाएंगे। शिवसेना ने मुखपत्र सामना में योगी सरकार पर रोजगार को लेकर भी वार किया। शिवसेना ने सामना में लिखा, लॉकडाउन के दौर में जो लोग मुंबई की आलोचना कर रहे थे वही अब यहां आ रहे हैं। मुंबई से नोच कर ले जाकर योगी महाराज लखनऊ और नोएडा में सोने की धूल कैसे उड़ाएंगे? लाखों उत्तर भारतीय घर परिवार छोड़कर दो रोटी के लिए मुंबई में आते हैं। बेरोजगारों को रोजगार मिले बगैर योगी के संकल्पना वाली माया नगरी से सोने की धूल नहीं निकलेगी। उद्धव ठाकरे सरकार और योगी आदित्यनाथ की यह लड़ाई अब बहुत आगे निकल गई है। हम आपको बता दें कि मुंबई की फिल्म सिटी 520 एकड़ में बनी है,
जबकि यूपी में फिल्म सिटी 1000 एकड़ में बनाने का प्लान है। कंपटीशन तगड़ा है। सवाल ये है कि क्या योगी का फिल्मी प्लान बॉलीवुड का बंटवारा कर देगा। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ कमलेश सुतार, मुंबई आज तक। और अब वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, लेकिन जाना कहीं नहीं है, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी है। मुंबई मेट्रो में इतना ही।